सो हेलो बड़े लोग, तो कैसे हैं तुम लोग। मैं हूं आपका दोस्त मोहित मामू और मैं अपने चैनल पे आप बहुत स्वागत करता हूं। तो बड़े लोग, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा, OB31 का अपडेट कल आने वाला था हमारे सर्वर में, जो कि नहीं आया। वो आज आने वाला है, आज लगभग हमारे 9 से 10 बजे तक हमारा गेम बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं उसकी कुछ डिटेल्स आपको देता हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी ब्रो, कल मैं नहीं दे सका क्योंकि कल मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। लो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग फ्री फायर के सेक्शन में आ चुके हैं। हमारा फ्री फायर हो चुका क्लोज और ये फ्री फायर अब हमें अभी नहीं खुलेगा, दिन भर शाम को खुलेगा। इसकी कुछ जानकारी, इसकी फुल डिटेल्स आपका भाई आपको वीडियो में देने वाला है। सॉरी लेट दे रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं यार, आप लोग काम चला दो क्योंकि भाई की तबीयत खराब थी, इसे समझो बड़े लोग। तो पहला बात की, क्लैश स्क्वाड का सीजन 10 आ रहा है और इसमें हमें गोल्ड पर जाने पर यू गोल्डन रंग की बुया UMP मिलेगी भाई लोग। ये कुछ खास नहीं है यार, लेकिन फिर भी कलेक्शन बढ़ाने के लिए काम चला सकते हो लोग, क्योंकि दिवाली में हमने गैरेना यार बहुत अच्छा UMP दिया था, डबल रेट ऑफ फायर वाली। चलो बड़े लोग आगे बढ़ते, क्लैश स्क्वाड सीजन 10 आ गया खत्म। उसके बाद बड़े लोग लोन उस मोड आ रहा है मेंटेनेंस के बाद, इसकी कार डिटेल, इसमें क्या कुछ चेंजेस होने वाली उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तीसरे नंबर में बात की जाए तो पिन सिस्टम इवोल्यूशन, यानी कि हम लोग बड़े लोग जब पिन करते थे सभी बंदों को नहीं दिख पाता था, तो कम्युनिकेशन हमारा आई थिंक अच्छी तरीके से नहीं होता। तो उसमें गैरेना ने कुछ चेंजेस किया है कि अब हम कहीं पर भी अगर पिक पर भी रहते हैं या फिर क्लॉक टावर कहीं पर भी रहते हैं तो पिन करेंगे तो एक रेड कलर का, येलो कलर का, मतलब बड़ा सा रेस टाइप की बन जाएगी, जिससे हमें कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से होगी और आराम से अपनी सामान को जाके पिक कर सकते हैं। बात की नेक्स्ट शॉट की, तो कैरेक्टर्स के लिए, तो भाई लोग कैरेक्टर्स के लिए बहुत सारी चेंजेस हैं, इसकी फुल डिटेल्स मैं आपको बता दूं। आप लोग ध्यान से सुनना और वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप लोगों को बातें समझ में नहीं आएगी, इसे प्लीज वीडियो को पूरा देखो। पहला बड़े लोग, ज्यादा वीडियो का लंबा नहीं होगा इसलिए डोंट वरी, वीडियो छोटा नहीं होगा यार, लेकिन आप लोग पूरा देखो। तो कम से कम बात की जाए पहले क्रोनो कैरेक्टर की, तो क्रोनो कैरेक्टर हमारा जो शील्ड के अंदर से हम लोग फायर करते थे, वो सबसे बड़ा अपडेट है बड़े लोग कि हम लोग क्रोनो के अंदर से फायर नहीं कर पाएंगे। ये क्या बात करता है यार वो, इसलिए क्योंकि यार क्रोनो का बहुत से बंदे गलत फायदा उठाने लगे थे क्या बोल सकते यार, लेकिन काम की चीज थी यार क्रोनो। तो क्रोनो में बड़े लोग हम लोग एबिलिटी ये चेंज हुआ कि हम लोग फायरिंग नहीं कर सकते और अंदर से, प्लस इसका कुछ सुधार ये किया गया, कूल डाउन जो कि 220 सेकंड वो अभी 120 सेकंड में होगा। लेकिन सबसे गंदा काम किया यार क्रोनो मैं भी बहुत यूज करता था। उसके बाद बात की स्किल ड्यूरेशन की, 5 सेकंड से 6 सेकंड कर देंगे, 6 सेकंड तक काम करेगा। और हाँ बड़े लोग, इसमें पहले हम लोग 600 का डैमेज दे तब स्किल टूटता है, लेकिन अब 800 का डैमेज पर टूटेगा। तो कुल मिला के बड़े लोग क्रोनो कैरेक्टर कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए खराब भी है, क्योंकि हर चीज़ सब में ऐसा ही होता है, कुछ पॉजिटिव थिंग तो नेगेटिव थिंग। बात किया के कैरेक्टर की, तो हमें जो EP 2 HP मिलता था वो 3 EP मिलेगा और फिर 150 से 250 तक AP मिलेगा। तो के कैरेक्टर भी ठीक ही ठाक है, मैं उतना यूज़ नहीं करता हूँ। बात किया थीवा कैरेक्टर की, दबड़े लोग थीवा कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि हम अपने जब प्लेयर को हील करते हैं तो उन्हें हील करने में थोड़ा सा स्पीड मिल जाएगा। उसके बाद बात किया DP कैरेक्टर की, तो उसका एक्यूरेसी वाइल मूविंग इंक्रीज 35 से 45%, मतलब इसका जो वाइल मूव करेगा, मतलब जो मूव करेगा, रन करेगा, फिर जो भी बोलो, तो हमारा 35 से 45% एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। और सबसे लास्ट में बड़े लोग, लास्ट में क्यों रखा यार, इसे फर्स्ट में रखता चूतिया कहीं का मैक्सिम कैरेक्टर बड़े लोग, जो कि टॉप क्लास कैरेक्टर था, छोटा यूट्यूबर से लेकर बड़ा यूट्यूबर तक, स्मॉल प्लेयर से लेकर लेजेंड प्लेयर तक मैक्सिम कैरेक्टर को यूज़ करते, क्योंकि ये कैरेक्टर नहीं है भाई, आ गया यार, क्योंकि मेडिकेट इसे इतना जल्दी लेता, फास्टर क्या बताए। और इसमें बड़े लोग 40% से 30% कर, यानी कि इसका भी स्पीड कम कर दिया गया, यानी कि इसे भी लुल्ला बना दिया यार गैरेना, क्या बोले, इसको भी कमजोर कर, कुछ भी कर दिया। लेकिन कोई बात ना, गैरेना कर रहा है जो भी कर रहा, सोच समझ के ही कर रहा होगा। उसके बाद की जाए नेक्स्ट अपडेट की, तो न्यू वेपन आ रहा हमारे वेपन सेक्शन में, जिसका नाम है MAC-10 और ये एक SMG वेपन है। इसका रिव्यू तो मैं अभी आपको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास अभी आया नहीं यार, उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं भाई, इसलिए तो बोल रहा हूं यार, सपोर्ट करो, थोड़ी बहुत गलत वीडियो बनाऊंगा फिर तो अच्छी वीडियो बनाऊंगा, इसलिए सपोर्ट करो भाई, मेरे को टॉप में जाना यार, क्या कर रहे हो आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो हमारा मनी हिस्ट बंडल 2.0 हमारे सर्वर में बैक आ रहा, जो कि बहुत ओपी होने वाला बंडल भाई लोग, ये बहुत ही ओपी होने वाला बंडल, ये बंडल आप लोग देखोगे ना यार मन खुश हो जाएगा यार। इसके बाद इसका इमोट उमोट सब कुछ मेरे दोस्त के पास, लेकिन मेरे पास नहीं है यार, बहुत हमको चिल्लाता था, इस बार आने दे बेटा, फिर बताते हैं, आने दे, सब निकाल लेंगे, चल झूठा। उसके बाद भाई लोग स्नो मैप हमारे सर्वर में आ रहा है, क्योंकि यार ठंडा का मौसम आ गया, आप लोग रजाई वजाई उड़ के घर में सो जाओ यार, क्यों ठंड का मौसम बहुत है, भाई को बुखार लगे यार, आप लोग खुश रहो, आप लोग सदा रहो, अच्छे रहो, तभी मुझे अच्छा लगेगा। और स्नो मैप में भी बड़े लोग कुछ चेंजेस आएगी, लोबी आएगी, सब कुछ आएगी। और हाँ बड़े लोग, ये तो हमारा था नॉर्मल अपडेट, अब इसके अंदर क्या कुछ आया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन सॉरी यार, मैं क्या कर सकता हूँ, सभी अपडेट आप लोगों को देना भी जरूरी था। अच्छा हमको सिखा दिया है, तो आप लोग कमेंट में लिखो ये नहीं देता वो नहीं देता। तो चलिए बात करें इसके अंदर के अपडेट के बारे में,
तो न्यू क्राफ्टलैंड आइटम, क्राफ्टलैंड में हमारा कुछ चेंजेस आने वाला। क्राफ्टलैंड चेंज में क्या होने वाला, तो पोर्टल ये टाइप का कुछ मतलब गोल टाइप का बनेगा और यहाँ पे हमें कुछ आइकॉन टाइप का दिखेगा। ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बिल्ड लोग ये भी मुझे किसी यूट्यूबर से ही मिला या फिर किसी के थ्रू ही मिला है और मैंने कहीं से निकाला पेज नो सॉरी ये मैंने पेज नोट से निकाला। आप लोग दिख गया तो अच्छा बात है, नहीं दिखा तो आपका भाई जिंदा है, क्यों टेंशन ले रहे हो। साउंड ब्लॉक की बात की तो कुछ साउंड ब्लॉक टाइप का बना हुआ जिसके ऊपर हम चल सकते हैं। बात किया तो बफ जनरेटर की, तो बस मतलब आप लोग समझ रहे हो ना क्या बोलते हो, वो रिस टाइप का कुछ ऐसा निकलता है मतलब साइड साइड बफ जनरेट करना पड़ता है, खुद जनरेट नहीं होगा। तो ये क्राफ्टलैंड में कुछ आइटम्स ऐड की गई है, ये जब तक अपन खेलेगा नहीं तो अपन को पता नहीं चलेगा। बात की जाए दूसरे में तो न्यू रैंक मास्टर, जब हम लोग क्लैश कोड खेलेंगे बिल्डर लोग तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग हीरोइक, हीरोइक के बाद डायरेक्ट ग्रैंड मास्टर जाते थे। तो इस बार बिल्डर लोग कुछ चेंजेस आया है, हीरोइक एंड ग्रैंड मास्टर के बीच में जो एक दीवार खड़ा हो गई है, जो भाई भाई के बीच में दीवार होती है वही है मास्टर का दीवार। समझ रहे हो ना। तो बिल्डर लोग जैसे ही आप लोग रैंक क्रॉस करोगे हीरोइक का तो हमें पहुंच जाएगा न्यू रैंक मास्टर जो कि होगा मास्टर के नाम पे। ये भी हमें गोल्डन कलर का ही मिलेगा, पता नहीं इसमें कुछ मिलेगा नहीं। बात किया न्यू लॉबी की, बिल्डर लोग न्यू लॉबी आप लोग देख सकते बहुत ओपी होने वाला, यानी कि देख रहे बिल्डर लोग स्केटबोर्ड कैसे रखा जा रहा है यार, देखने में कतई जहर लग रहा। और हाँ बिल्डर ये जो भी आई थिंक दिखेगा आपको अच्छी तरीके से वो देखना है, इसका इंजॉय उठाना है सच में, तो आप लोग जाके बिल्डर लोग मैं तो बोलूँगा मैक्स में ही खेलो। और आपकी अगर 2 GB रैम है तो फिर आप लोग देख सकते हैं बिल्डर लोग। उसके बाद बात किया था लोन रूल्स, तो बिल्डर लोन रूल्स में कुछ ऐसा चेंज है कि मैप को सबसे पहले तो एडजस्ट किया गया है, उसके वेपन सिलेक्शन में वेपन खुद से सिलेक्ट नहीं करना, कुछ सेलेक्ट करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात ये बिल्डर लोग इसमें लिमिटेड एमो नो होगा कि तो होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें 1v1 चैलेंज कर सकते हैं अपने दोस्तों को। यार आप लोग समझ रहे हो ना कितना बड़ा अपडेट दिया है, इसके लिए मैं गिरिणा को दिल से धन्यवाद कहूँगा बिल्डर लोग। गिरिणा सर जी आपने बहुत बड़ा हमें गिफ्ट दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो जो भी बोलो, क्योंकि यार हमें नॉर्मल बंदे से कस्टम खेलने के लिए यार 100 diamond कौन वेस्ट करता है, इसमें आराम से हम अपने बंदे के साथ खेल सकते हैं। बात की जाए नेक्स्ट तो क्लैश कोड में इंप्रूवमेंट, क्लैश कोड में भिड़ो लोग हम लोग 2 grenade लेते थे, अब हमें ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलेगा 2, क्योंकि ग्लिच के कारण या 2 क्या 4 6 8 10 सब ले लेते थे, तो वो अब नहीं होगा। बार बार क्या है यार हर समय मतलब हम ही लोग को मजा देगा क्या करें ना। न्यू आर्मर अटैचमेंट, मतलब आर्मर के जरिए हमें आप लोग देखा हो बड़े लोग कि हम लोग बहुत से बंदे एंकलेट हाथ में ले खेलते हैं, तो भाई हमारे हाथ में एंकलेट क्यों होता है कि हमें स्लाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और है क्योंकि जब बंदा खेलेगा मतलब हमारा कैरेक्टर जब खेलेगा तो उसके हाथ या फिर पैर में कुछ अजीब सा मतलब वो क्या बोलता है वेस्ट टाइप का लग जाएगा ताकि उसे डैमेज कुछ कम पड़ेगा। इसकी भी मैं आपको फुल डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, जितना मुझे पता उतना आपका भाई बता देगा, बाकी आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद के न्यू वेपन तो आपने देखा ही। एंड हाँ बिल्डर लोग इसके अलावा एक्समेट एंड UMP का रिलोड स्पीड बढ़ा दिया गया, यानी कि रिलोड अब थोड़ा सा देर से लेगा। और अगर कुछ गन आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो जिसमें बढ़ोतरी किया गया रेट ऑफ फायर रिकॉइलिंग का, ठीक है, तो ये छोटा सा अपडेट है और इसके बाद कुछ नहीं। तो बिल्डर लोग यही था मेरा छोटा सा अपडेट, छोटा सा नहीं यार बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन बिल्डर लोग आप लोगों को समझना आता है देखना तो पड़ेगा ही वीडियो। तो बिल्डर लोग ये था छोटा सा अपडेट, अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करो, तोड़ो मरोड़ो या कुछ भी करो लेकिन सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई को टॉप में जाना यार बर्दाश्त नहीं होता, आई एम आउट ऑफ कंट्रोल। और हाँ बिल्डर लोग ये अपडेट हमारा शाम को आएगा 5:30-5:30 बजे तक, और अपडेट के बाद ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा और मेरी बातों को दिल पे ना लेना। तो चलो सर जी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते सत श्री अकाल।